दिवस। आज आपका परिचय एक ऐसे महान व्यक्तित्व से कराया जा रहा है जो अपने अद्वितीय कार्य के कारण सदा के लिए अमर हो गए। उनकी रचना ने उन्हें एक महान शिक्षक, वैज्ञानिक और शोधकर्ता की श्रेणी में खड़ा कर दिया। उभरी हुई बिंदुओं की स्पर्श लिपि ने असंभव को संभव कर दिया। दृष्टिहीन व्यक्तियों ने उंगलियों से पढ़ना शुरू कर दिया। उनके लिए युगांतर से बंद शिक्षा के द्वार खुल गए। इस महान व्यक्ति का नाम था लुई ब्रेल। वे बचपन से स्वयं भी दृष्टिहीन थे। उभरी हुई छह बिंदुओं वाली लिपि के आविष्कारक के रूप में वे विख्यात हो गए। इन बिंदुओं के अलग अलग प्रारूपों से यह लिपि बना के आरंभ में लगभग 200 वर्ष पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस से 40 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए गांव कुपरे में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका गुणगान करते हुए आने वाली कई सदियां नहीं थकेंगी। उस व्यक्ति का नाम था लुई ब्रेल। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को हुआ एवं अंत 6 जनवरी 1852 को हुआ। उनके पिता का नाम साइमन ब्रेल था, माता का नाम मोनिक ब्रेल। इनके पिता एक चर्मकार थे। उनकी जीन की बहुत बड़ी मिल थी। इनके परिवार में 2 भाई 1 बहन भी थी और 3 वर्ष की आयु में औजार से खेलते हुए इनकी एक आंख की रोशनी नुकीले औजार से धीरे एक आंख पर इलाज लग गया था। नहीं हो पाने की वजह से इनकी दूसरी आंख की दृष्टि भी धीरे धीरे चली गई और यह पूर्णतः दृष्टिविहीन हो गए। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने परिवार के साथ रहते हुए कुपरे ग्राम में किया। इन्होंने अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से चीज़ों को याद किया और यह एक बहुत ही जिज्ञासु विद्यार्थी थे। जब वह 10 वर्ष की आयु में थे तो उन्हें विद्यालय की ओर से छात्रवृत्ति मिली। इन्होंने आगे की शिक्षा फ्रांस की राजधानी पेरिस की एक पाठशाला अंध बालकों के लिए राष्ट्रीय संस्थान से की। इनकी मुलाकात वहां फ्रेंचमैन चार्ल्स बार्बियर से हुई, जिन्होंने अपने सैनिकों के लिए रात्रि के अंधेरे में संदेश भेजने के लिए 12 डॉट वाली लिपि का उपयोग करते थे। लुई ब्रेल एक प्रखर बुद्धि वाले विद्यार्थी थे। ऐसा माना जाता है कि इसी बीच उन्होंने अथक परिश्रम के पश्चात उभरी हुई 6 बिंदुओं वाली लिपि का आविष्कार किया। सन 1829 में इस लिपि की सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित की। उस पाठशाला के बच्चों ने बड़े चाव से इस लिपि का अध्ययन किया। इस लिपि की उपयोगिता दृष्टिहीनों द्वारा सर्वसम्मत हो चुकी थी। दुर्भाग्य की बात यह है कि लुई ब्रेल के जीवन काल में उनकी पाठशाला इस लिपि को स्वीकार न कर सकी। उनकी मृत्यु 6 जनवरी 1852 को केवल 43 वर्ष की अवस्था में हुई। इसके साथ ही दृष्टिहीनों को एक ऐसे महान लिपि देने वाले महान आविष्कारक की जीवन गाथा समाप्त हो गई। परंतु यह विश्व समुदाय उस आविष्कार का आज भी ऋणी है और दृष्टिहीन समाज श्रद्धा से उन्हें नमन करता है। उनकी कीर्ति अक्षय है। उनका जीवन सार्थक हो चुका था। इस लिपि से पूर्व
विकास से पहले दृष्टिहीन लोग कोए टाइप लिपि के माध्यम से पढ़ते थे, जो पढ़ने में बहुत कष्टप्रद थी। इसके विपरीत यह लिपि स्पर्श से पढ़ने में न केवल आसान थी, अपितु दृष्टिहीन लोग स्वयं इस लिपि में लिख भी सकते थे। लुई ब्रेल ने इस लिपि में लिखने के लिए एक लेखन पाटी, जिसे हम ब्रेल स्लेट कहते हैं, का निर्माण किया था। लुई ब्रेल ने इस लिपि में संगीत हेतु लिपि का भी निर्माण किया था। लुई ब्रेल की मृत्यु के पश्चात 100 वर्षों के बाद 1952 में, जहां विश्व के दृष्टिहीन समुदाय ने इनकी अमूल्य निधि ब्रेल लिपि को वैश्विक स्वीकृति दी, वहीं फ्रांसीसी सरकार ने उनके देहावशेष को कुप्रे की शमशान भूमि से निकालकर पेरिस के पैंथियोन में ले आई तथा देश के अन्य महान व्यक्तियों की समाधि के मध्य स्थान देकर सम्मानित किया। दृष्टिहीन व्यक्ति उचित प्रशिक्षण के बाद अपनी उंगलियों के द्वारा स्पर्श के सहारे पढ़ते हैं। यह लिपि उभरी हुई केवल 6 बिंदुओं से बनाई गई है। प्रत्येक ब्रेल कोष्ठ में कुल 6 बिंदु होते हैं। यह 6 बिंदु खड़ी 2 पंक्तियों में स्थित होते हैं। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु होते हैं। इन 6 बिंदुओं की सहायता से हम दुनिया की कोई भी भाषा लिख सकते हैं। इन बिंदुओं के माध्यम से विभिन्न प्रारूपों से अलग अलग अक्षर, विराम चिन्ह आदि बनते हैं। इन उभरी हुई बिंदुओं से बने हुए कुल 63 प्रकार के प्रारूप हमें मिलते हैं। आपकी जानकारी के लिए, इस में 7 पंक्तियां होती है, जिसमें 6 बिंदुओं से बनने वाली कुल 63 संरचनाओं का प्रारूप दिया गया है, जिसमें हम सभी भाषाओं को अध्ययन कर सकते हैं एवं इससे लेखन एवं लिखने का कार्य भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ब्रेल लिपि के बारे में कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, ये सब जानने के लिए आपको हमारे वीडियोस YouTube पर लगातार वॉच करते रहना होगा, देखना होगा। कुछ महत्वपूर्ण सन 1812 में वह दृष्टि विहीन हुए और 1819 में उन्होंने विद्यालय शिक्षा ली और 1825 में 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने ब्रेल लिपि का निर्माण किया। उन्होंने 1828 पर शिक्षक पद पर कार्य किया और 1837 में ब्रेल लिपि को विश्व के सामने प्रस्तुत किया एवं 1852 को उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट ने ब्रेल लिपि को अंगीकृत किया। दोस्तों, ये यहाँ पर डबल बार टाइपिंग हो गई है, इसके लिए मुझे क्षमा करें। हो सके तो आप वीडियो में स्क्रीनशॉट लेकर ये सब चीज़ें रख सकते हैं। और अंततः 6 जनवरी 1852 को दृष्टिहीन समाज को महान लिपि देने वाला इस दुनिया को अलविदा कह गए। वह सदा के लिए पूजनीय हैं। दृष्टिहीन समाज को उन्होंने एक नई रोशनी दी, नई ऊर्जा दी। इसी के साथ दोस्तों, आप बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहे। जो आने वाले वीडियो हैं वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि ब्रेल लिपि का परिचय बताया जाएगा, किस तरीके से हम उन्हें अध्ययन करते हैं, किस तरीके से रीड करते हैं, एक दिव्यांग दृष्टिहीन बालक किस तरह सीखता है, उसको सिखाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं, कौन कौन से उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं, उनको कैसा उपयोग किया जाता है, इन सारी बातों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और हमें सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।